उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ आने की संभावना है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद समाजवादी पार्टी में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ सपा को सींचने वाले शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव से खफा है, तो दूसरी तरफ इस सूची में रामपुर विधायक आजम खान का नाम भी शामिल हो गया है। हाल फिलहाल में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सपा प्रमुख से आजम खान खासे नाराज हैं। इसी बीच आजम खान ने मंगलवार को शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सलाम दुआ सबसे साथ रहनी चाहिए। नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था, लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता, तो मैं नहीं कर सकता। अगर ये अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है कि वो सबसे मुलाकातें करें, सबसे मिलें, चाय नाश्ता करें, शादी ब्याह में शरीक हों, खुशी गम में शरीक हों, तो मैं भी तो उन्हीं जैसा इंसान हूँ। तो अब क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है, अभी तो जहाज काफी। आपसे मुलाकात कर रहे कई बार, ये उनकी मोहब्बत है। आप आएंगे, आपका भी स्वागत है, किसी और दल के आएंगे उनका भी स्वागत है। अभी कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने की कवायद समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है कि उनको सीटों का गठजोड़ करके उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। वो उनका हक भी है, और जिस पार्टी से भी वो जाएंगे तो पार्टी के लिए भी बाई से इज्जत रहेंगे। वो इस कदर मोहतरम शख्सियत हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, और शायद सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होगी उनके होने से तो मुझे होगी। यही प्रयास भी है कि उनको कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर आपसे जो कुछ भी थोड़ी बहुत नाराजगी है अगर मैं नाराजगी की हैसियत में हूँ ही नहीं सर। एक बीमार कमजोर आदमी, माफिया नंबर एक पूरे देश का, सैकड़ों हजारों मुकदमे जिस पर हूँ। बता दें कि 27 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने कहा था कि अभी मेरे लिए भाजपा, बसपा और कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि मुझ पर, मेरे परिवार और मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए गए हैं उसमें मैं कहूँगा कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपने लोगों का बड़ा योगदान है, मालिक उन्हें सद्बुद्धि दे। दरअसल आजम खान के इस बयान को सपा पर जवाबी हमले के तौर पर देखा गया था और उनके परिवार ने तो पहले ही उपेक्षा का आरोप भी लगाया था। गौरतलब है कि आजम खान के सीतापुर जेल से बाहर आने पर बेटे अब्दुल्ला आजम और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव उन्हें रिसीव करने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे थे। इस दौरान भारी मात्रा में आजम खान के समर्थक भी मौजूद थे, लेकिन सपा प्रमुख नहीं आए। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आजम खान का स्वागत किया। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।